Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I'll tell you how to prepare kids for the dictation of a vowel words. Friends, dictation ka matlab hota hai bachon mein baithne, read karne aur learn karne ki habit ko develop karna. To ye habit hum kaise develop kar sakte hain? Bahut hi simple steps hain. Bahut dhyan se puri video dekhiyega. फर्स्ट स्टेप होता है रिवीजन ऑफ फोनेटिक्स. हर लेटर का एक साउंड होता है. ए सेज ए, बी सेज ब. इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं. फोनेटिक्स का रिवीजन डेली बेसिस पर होना चाहिए बिकॉज ये बच्चे को लर्निंग में बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट होता है रीडिंग विद साउंड्स. जब हमने साउंड्स रिवाइज कर लिए हैं उसके बाद हम सारे वर्ड्स को एक पेपर पर लिख सकते हैं. हम बच्चे को कहेंगे कि कीप द फिंगर अंडर द लेटर. लेटर के नीचे फिंगर रख के हर लेटर को जोर जोर से बोल कर साउंड के साथ पढ़ना है. जैसे ब ए ट. अब बच्चा इसे रीड करेगा. ब एट बैट, ह एट हैट, र एग रैग. जब बच्चा इस तरह से रीडिंग करता है तो उसका रीडिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. नेक्स्ट होता है ये देखिए फ्लैश कार्ड्स. बच्चों को अगर रिकॉग्निशन में, रीडिंग में या साउंड्स में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बना बना कर बेड पर, टेबल पर, कहीं भी स्प्रेड कर सकते हैं और कुछ वर्ड्स बोल सकते हैं. जैसे फाइंड आउट बैग, फाइंड आउट डैड, फाइंड आउट रैग. तो बच्चा फ्लैश कार्ड्स को ढूंढ ढूंढ कर उन वर्ड्स को बनाएगा. ये भी बच्चों की रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है. नेक्स्ट होता है अल्फ़ाबेट एंड वाउल कैलेंडर. ये आप घर पर ही बना सकते हैं. इस साइड पर आपने ए टू जी अल्फ़ाबेट लगाए, इधर भी आपने ए टू जी अल्फ़ाबेट लगाए और यहाँ पर आपने वाउल्स लगा दिए. अब आप बच्चे को बोलेंगे वर्ड और वो बनाएगा वो वर्ड इस अल्फ़ाबेट और वाउल कैलेंडर से. जैसे आपने बोला बैग तो बच्चा ढूंढेगा ब ए और यहाँ पर ढूंढेगा बच्चा ग और इस तरह से वो इस वर्ड को बनाएगा, ढूंढेगा और समझेगा, जिसमें बच्चा बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेगा. ये देखिए इस तरह से हमने वो वर्ड को ढूंढ दिया, ब एग बैग. बच्चा इसमें टाइम लेगा, साउंड सोचेगा और उसकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी. कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे मैचिंग ऑफ वर्ड विद द पिक्चर. आप बहुत ही सिंपल सिंपल पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. हम बच्चे को बोल सकते हैं कि हर वर्ड को पहले वो रीड करेगा और उसके बाद वो उससे रिलेटेड पिक्चर के साथ मैच करेगा. और एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे आपने पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया, कुछ प्लेन लाइंस दे दी बच्चों को या फोर लाइंस दे दी और बच्चे को कहा कि आप पिक्चर को देखकर उससे रिलेटेड वर्ड को लिखिए. जब बच्चा ये सारी चीज़ें कर लेगा फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा जिस तरह से क्लास में होता है. ऊपर आप डालेंगे डिक्टेशन, इधर आप लिखेंगे नंबर्स और किसी भी एक प्लेन शीट पे बच्चे को वर्ड्स लिखने को बोलेंगे. आप वर्ड जोर जोर से पढ़ेंगे, बच्चे को उसे लिखने को कहेंगे सोचकर. जैसे आपने फर्स्ट वर्ड बोला कैट, तो बच्चा अपने दिमाग में कैट के स्पेलिंग सोचेगा और लिखेगा, क एट कैट. नेक्स्ट आप बोलेंगे लैड. आप बच्चे की हेल्प भी कर सकते हैं बट विद साउंड्स ओनली. बेटा ल एट लैड. जब हम घर में काफ़ी रिवीजन बच्चे को साउंड के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ और लेटर्स के साथ करवा देते हैं तो बच्चे को डिक्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती. तो चलिए बच्चों की बुक्स उठाते हैं, नोटबुक उठाते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस बच्चों को करवाते हैं और अपने बच्चों को रीडिंग, लर्निंग और अल्टीमेटली डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं. बाय बाय. बट हाँ, अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है. टेक केयर.